हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपको एक आज मस्त किस्सा सुनाता हूँ रामायण के बारे में। तो बात उस समय की है जब राम जी लंका जा रहे थे। तो राम जी की सेना ने क्या किया कि पानी के अंदर श्री राम नाम के पत्थर डाले, तो वो तैरने लगे, मतलब वो डूबे ही नहीं। ठीक है, तो ये सब देख के लंकावासी जितने भी थे उन सब का दिमाग ख़राब हो गया। वो सोचने लगे ये सब कैसे हो गया भाई, ये नहीं हो सकता ना कि पत्थर पानी में तैर ही नहीं सकता है। तो वो सब अपने राजा के पास गए, रावण के पास गए। तो रावण को बोला कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि पत्थर तैरे, राम के नाम का पत्थर भी तैर रहा है। तो फिर रावण बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो जनता भी सुन के खुश हो गई कि हमारा राजा भी ये कर सकता है। तो दूसरे दिन रावण ने क्या किया, अपने नाम का पत्थर पानी में फेंक दिया और फिर वो पत्थर भी तैरने लग गया। ठीक है, तो अपनी जनता पूरी, उसकी जनता जितनी भी थी वो सब खुश हो गई, बोले चलो हमारा राजा भी इतना शक्तिशाली है या पावरफुल है कि उसके नाम का पत्थर भी तैरता है। तो उसके बाद रावण की जो वाइफ थी उसने पूछा कि आपके पास इतनी शक्ति तो है नहीं कि आपके नाम का पत्थर भी तैरे, तो आपने ये सब कैसे किया। तो उसने उसके वाइफ को बताया, रावण ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नाम का पत्थर नहीं तैर रहा है, मैंने पत्थर को कसम दी कि अगर तू डूब गया तो तेरे को राम की कसम है। तो इसी कारण वो पत्थर तैरा, रावण के नाम का पत्थर भी तैरने लग गया। ठीक है, सबसे